एबीपीएस न्यूज। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां शिक्षा के नाम पर तमाम दुकानें खोलने के बाद लोगों ने जनता को लूटने का पूरा प्रयास शुरू कर दिया है और ये लंबे समय से कार्य चल रहा है। ऐसा ही एक मामला तहसील चंदौसी जनपद संभल में सामने आया, जहां भगवान राम और भगवान श्याम के नाम पर चल रहा कोचिंग सेंटर राम श्याम कोचिंग सेंटर लोगों को बेवकूफ बनाकर धन उगाही में लगा हुआ है। यहां पर 2015 में IGD की परीक्षा जिन लोगों ने दी थी उन्हें आज तक सर्टिफिकेट नहीं मिल पाए हैं। तंग आकर कुछ लोगों ने इसकी शिकायत आला अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री से की। इसके बाद में प्रशासन हरकत में आया और कोचिंग सेंटर पर पहुंचने के बाद जब संचालक से बातचीत की गई तो वो बांगले झांकते हुए नजर आए और किसी भी बात का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। कुछ लोगों ने बताया कि इन्होंने कई यूनिवर्सिटियों से कोर्स कराने तक के पैसे लेने शुरू कर दिए हैं और लोग सर्टिफिकेट के लिए इनके यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं। इनके अनुसार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी के भी तमाम कोर्स यहीं से करा दिए जाते हैं, जिन्हें वहां जाने की जरूरत तक नहीं पड़ती और तमाम पैसे इसके एवज में कोचिंग सेंटर के संचालक प्रभात भाषणे वसूल करते रहते हैं। घटलेश्वर गेट स्थित चंदौसी पर ये कोचिंग सेंटर चल रहा है और इतने लंबे समय से चल रहे इस कोचिंग सेंटर पर किसी भी अधिकारी की नजर ना जाना शायद कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही को भी उजागर करता है। जिलाधिकारी की जांच में अभी तक कोई भी मामला साफ नहीं हो सका है कि आखिर इस सेंटर का माजरा क्या है। देखने वाली बात यह है कि अधिकारी भी अब तक इस कोचिंग सेंटर को नजरअंदाज करते रहे। इस मामले की शिकायत सत्य प्रकाश पुत्र कालीचरण निवासी बहजोई ने की है, जिसके बाद में सरकार और प्रशासन हरकत में आए हैं। अब कोचिंग सेंटर के संचालक प्रभात भाषणे किसी भी तरह से मामले को शांत करने में जुट गए हैं। अगर ये मामला यहीं शांत हो जाता है तो आने वाले समय में ये और भी छात्र छात्राओं को अपना शिकार बनाकर लाखों रुपए ऐंठने का काम जारी रखेंगे। प्रशासन को चाहिए कि समय रहते इस कोचिंग सेंटर को जल्दी से जल्दी बंद करा दें या फिर इसके कागजात पूरे हैं तो पूरे सबूत के साथ कोचिंग सेंटर के संचालक से लें। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं लगता कि कोचिंग सेंटर संचालक पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो सही कोचिंग सेंटर चला रहे हैं। लेकिन अगर शिकायतकर्ताओं की बात पर ध्यान दिया जाए तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर की पूरे जाल में तमाम लोग फंस चुके हैं। क्योंकि अगर ये कोचिंग सेंटर सही होता तो 2015 में कोर्स करने के बाद अब तक सर्टिफिकेट दे दिए जाते। बताया जा रहा है कि 2 साल से लगातार ये छात्र छात्राओं को कोचिंग सेंटर के चक्कर लगवा रहे हैं, लेकिन सर्टिफिकेट के नाम पर आज तक उन लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हो सका है। IED बॉम्बे की पैसे दी थी जो कि फर्जी है। प्रभात भाषणे चंदौसी घटलेश्वर गेट एक अवैध कॉलेज चल रहा है, उसे बंद करने की अनुमति प्रदान की जाए। शासन के लिए मैं कई बार लिखित पत्र भी दे चुका और कोई सुनवाई नहीं हो रही उसकी, और फर्जी कॉलेज की जो बच्चों को भविष्य बर्बाद नहीं किया जाए